मोरबी ब्रिज हादसे के मामले में गिरफ्तार सभी 9 लोगों को बुधवार को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ओरवे कंपनी के 2 मैनेजर समेत 4 लोगों को शनिवार तक की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। वहीं 5 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने इन 5 आरोपियों की हिरासत की मांग नहीं की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ब्रिज हादसे को लेकर तमाम ऐसे खुलासे हुए जो चौंकाने वाले हैं। सुनवाई के दौरान सामने आया कि रेनोवेशन या मरम्मत के दौरान हैंगिंग ब्रिज के तार तक नहीं बदले गए थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MJ खान की कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूशन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रिज की मरम्मत का ठेका लिया था उसके पास कॉन्ट्रैक्ट लेने की योग्यता ही नहीं थी। इतना ही नहीं, कोर्ट में फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया। कोर्ट में बताया गया कि ब्रिज की मरम्मत के दौरान सिर्फ फ्लोर को चेंज किया गया है। इस दौरान ब्रिज की केबल को चेंज नहीं किया गया था। यह नए फ्लोर का वजन उठाने में सक्षम नहीं थी। प्रोसिक्यूशन पक्ष ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि एक्सपर्ट का मानना है कि नए फर्श के वजन की वजह से ब्रिज की केबल टूट गई। इतना ही नहीं, कोर्ट को यह भी बताया गया कि रिपेयर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स भी काम करने के लिए योग्य नहीं थे। इसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स को 2007 और फिर 2022 में रिपेयर का ठेका दिया गया। ओरेवा कंपनी के गिरफ्तार मैनेजर दीपक पारेख ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि ये भगवान की इच्छा थी कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज रविवार शाम को टूट गया था। मोरबी ब्रिज हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त ब्रिज पर काफी भीड़ थी। आलम यह था कि 100 लोगों की क्षमता वाले इस पुल पर 300 से 400 लोग थे। इस हादसे के बाद से प्रशासन और ब्रिज की मरम्मत करने वाली कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में कंपनी पर मामला दर्ज किया था। बता दें कि इस मामले में SIT जांच कर रही है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।